First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में जहां तेजी से कोरोना फैल रहा है वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय राठौर के काफिले में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यानी खुलेआम यहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। महाराष्ट्र के वाशिम में मंगलवार को मंत्री संजय राठौर पोहरा देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे और हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई जिसकी वजह से कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। एक तरफ जहां सीएम उद्धव ठाकरे लोगों को नियम पालन करने को कह रहे हैं कि अगर नियम नहीं पालन करेंगे तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, वहीं उन्हीं के सरकार में मंत्री के काफिले में कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मंत्री संजय राठौर को बाहर निकाला गया और पुलिस ने लाठियाँ चार्ज कर दी। इतनी पाबंदी होने के बावजूद भी ये नज़ारा देखने को मिला जो बेहद ही चिंताजनक है। वहीं विपक्ष भी इस पर पीछे नहीं है, फौरन हरकत में आ गया और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गया। बीजेपी के किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में जहां तेजी से कोरोना फैल रहा है और वहीं पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय राठौर जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जरा देखिए ये नज़ारा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की मैं बेजवाबदार हूं मुहिम देखो, 22 वर्ष की उदा जवान की जिंदगी से खेलने वाले संजय राठौर पर कोई कार्रवाई नहीं और ठाकरे सरकार द्वारा कहीं की भीड़ जमा हो रही है कोरोना की ऐसी तैसी। ये वही उद्धव ठाकरे जी है कि तीन महिलाओं के साथ में खेलने वाले धनंजय मुंडे को कहा जाता बेस्ट समाज कल्याण मंत्री। जय हो ठाकरे सरकार।